स्प्रिंग को हटाओ, भाड़ में गया स्प्रिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता स्प्रिंग है या नहीं है, ठीक है। स्प्रिंग और स्ट्रिंग दोनों एग्जैक्टली सेम वर्क करते हैं, एक्सेप्ट एट अ फ्यू केसेस। यहां पर आप स्प्रिंग को हटाओ और स्ट्रिंग को लगा दो, ओके। चलो फटाफट यहां देती हूँ, ओके। पहला डायग्राम, ये नीचे, ओके। स्प्रिंग को हटा दिया, स्ट्रिंग को लगा दिया। यहां देखना बच्चों, इसमें टी, नीचे की तरफ टी, ओके। तो नीचे की तरफ एम जी, सर, है ना। सो टी इज इक्वल टू एम जी, ओके है। यहां पे यस देखो, सर, पुली को देखो, पुली को देखो, नीचे की तरफ टी, नीचे की तरफ टी। अरे देखो, ये स्ट्रिंग सेम है ना, स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, स्ट्रिंग सेम तो यस टेंशन सर, सेम। तो यहां पे टी है तो यहां पे भी टी होगा, लेकिन यहां पे होगा T1 और यहां पे होगा T1, यहां वन पे होगा T1, यहां पे होगा T1। तो 2T1 इज इक्वल टू T, बट T इज इक्वल टू mg, सो 2T1 इज इक्वल टू mg। बट बच्चों, ये जो है ना, हमने जो हटाया, ये जो T1 है इसमें, तो इसमें भी T1 रहेगा, बट दिस इज इक्वल टू kx, तो T1 के बदले kx डाल दो, इज इक्वल टू mg। क्यों ऐसा किया ये भी फिर से बताता हूँ। ये देखो ऐसा है ना, इस पॉइंट को ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, जस्ट कंसिडर दिस पॉइंट, है ना। इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ के एक्स है, इधर की तरफ टी वन है ना। इस पॉइंट पे इधर के एक्स है और इधर टी वन है ना। तो टी वन इज इक्वल टू के एक्स हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, तो टी वन के बदले के एक्स डाल दिया यस फाइनल सर, एकदम लास्ट में। सो एक्स इज इक्वल टू एम जी बाय टू के, खत्म। आई बात समझ, है ना। यस सर, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, क्यों इतना बार बार पूछ रहा हूं बता रहा हूं, क्योंकि दो दो साल, क्या तीन तीन साल बीत जाते हैं यार, बच्चे जो ड्रॉप लेते हैं ना, उनको भी ये समझ नहीं आता, इसलिए बार बार पूछ रहा हूं, है ना। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी ऐसा हो कि हाँ यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आधे को नहीं समझा तो क्या होगा, नहीं, ओके। चल इसको देखो, स्प्रिंग, ये स्प्रिंग हटा दो, हटाओ साला स्प्रिंग को, कोई टेंशन नहीं। ये एक हमारे पास स्प्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है और ये एक स्ट्रिंग है ना, और ये एक स्ट्रिंग। तो नीचे वाला ले लो, पहले एम मास को ले लो, नीचे ऊपर की तरफ टी, है ना। ठीक तो टी इज इक्वल टू एम जी, वेरी गुड। अब ये पुली को उठाओ, ये वाले पुली को नीचे की तरफ टी, ये वाले पुली को नीचे की तरफ टी, ऊपर की तरफ टी वन, टी वन, टी वन, ओके। तो 2T1 इज इक्वल टू टी, बट टी तो एम जी है, सो 2T1 इज इक्वल टू एम जी, यहीं पे डाल दो, 2T1 इज इक्वल टू एम जी। अब यहां पे आ जाओ तीसरे वाले पुली पे, तीसरे वाले पुली पे बच्चों, इधर नीचे की तरफ क्या आएगा? T1, अरे इसमें T1 है ना, तो पूरा नीचे की तरफ T1 T1, ऊपर की तरफ T2, T2, है ना। सो ट्वाइस T2 इज इक्वल टू T1, ट्वाइस T2 इज इक्वल टू T1, ट्वाइस T2 इज इक्वल टू T1 के बदले mg बाय 2 डाल दू, क्या mg बाय 2, तो T2 इज इक्वल टू बच्चों mg बाय 4, लेकिन T2 इज इक्वल टू kx, T2 इज इक्वल टू kx, स्प्रिंग फोर्स है वो, है ना। सेम लॉजिक से आखिरी में जो स्प्रिंग का टेंशन है ना, उसके बदले kx डाल दो आप, खत्म, कुछ नहीं करना है ना। kx इज इक्वल टू mg बाय 4, ये k इधर आ जाएगा, mg बाय। चलो आई बात समझ, इजी हुआ, पहले से इजी लगा, थोड़ा सा हल्का फुल्का, बस कॉन्सेप्ट समझ जाए तो ये सब चिपका दियो, ओके। यस यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इसमें आ जाओ, चल टेक दिस, इसमें यहाँ पे टी, तो भैया यहाँ पे भी टी, स्ट्रिंग सेम, टेंशन सेम, ठीक है। ये P1, पुली P1 का डायग्राम बनाओ, पुली P1 का, अच्छा नीचे इधर टी, इधर टी और इधर की तरफ T2 ले लो, चलेगा ना। तो T2 इज इक्वल टू ट्वाइस T1 लेते हैं ना, सॉरी T2 क्यों नहीं लिया, T1, T1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T, वेरी गुड। जी, ये सेकंड पुली पे आ जाओ, यस, ये यस सेकंड सर, पुली पे आ जाओ, इस तरह से। अच्छा पहले ना एक्चुअली मास M को लेना चाहिए था, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ले लो, ठीक है। अब इसमें, इसमें देखो पुली नीचे की तरफ T2 है ना, यहाँ पे हमने T1 लिया ना बच्चों, ये T1 लिया था, तो इधर भी T1 लिया T1 है ना।
T1, T1, T1. हमने स्टार्ट किससे किया था? एकदम निचले वाले विधि से ना? हाँ, आप मास से स्टार्ट ओके करो, ज्यादा इजी रहता है, हमेशा मास से स्टार्ट यस करो, सर। ठीक है ना, इजी जाता है। ओके, इस मास को ले लो, नीचे की तरफ मास पे एम जी, दो अलग अलग स्ट्रिंग्स है बच्चों, इसको टी टू बोलते हैं, इसको टी वन बोलते हैं, T1 चलेगा? तो यस सर, टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू एम जी, ठीक है, मास हो गया यस खत्म। इस पुली को उठाओ, सर, इस पुली को उठाओ, इस पुली को देखो, है ना, यहाँ पर हमने बोला टी वन, ओके, तो इसके नीचे की तरफ टी वन और इधर की तरफ टी वन, पुली सेम, स्प्रिंग सेम, टेंशन सेम, है ना, तो इधर की तरफ टी वन, इधर की तरफ टी वन, T1 और इधर की तरफ क्या आएगा, टी टू, ये इसका टी टू है ना, इसको हमने टी टू बोला, तो टी टू, तो ऊपर से इधर, तो टी टू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी वन, T1 ट्वाइस ऑफ T1 देखो, इस पुली का भी बन गया डायग्राम। अब इस पुली को उठाओ, इस वाले पुली को उठाओ, नीचे की तरफ देखो, इधर इधर रहेगा टी टू, इधर रहेगा टी टू, और ऊपर रहेगा टी थ्री, अरे इसको स्ट्रिंग मान लो, स्ट्रिंग टी थ्री मान लो, है ना, सो टी थ्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी T2 थ्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी टू, ओके, तो बच्चों टी टू के बदले डाल दो टू टी वन, टी टू के बदले डाल दो टू T1 टी वन, चलेगा क्या, है ना, सो यस टू सर। ए टू टू डी, सॉरी सर, ऐसा करो, अच्छा ठीक है, टू इंटू टी टू के बदले ट्वाइस ऑफ टी वन, ट्वाइस ऑफ, करेक्ट है, तो फोर टाइम्स ऑफ टी वन, है ना, फोर टाइम्स ऑफ टी वन, बच्चों यहां से टी वन कितना है, देखो यहां से टी वन कितना है, एम जी माइनस टी टू, एम जी यस माइनस सर। टी टू, T2 करेक्ट है ना, फिर उसके बदले एम जी से रिप्लेस करना है ना हमको, टी वन प्लस टी टू, जस्ट अ सेकेंड, ना क्या गड़बड़ किया है, टी वन प्लस टी टू एम जी, टी टू इधर इधर, अरे ओके, सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सही कर देंगे यार, है ना, सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सही करते हैं, चल ये ठीक है, रहने दो, टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू एम जी, ठीक है, टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू एम जी, टी वन के बदले टी टू बाय टू डाल दू, ये देखो टी वन के बदले टी टू बाय टू डाल दिया, यस, और टी टू को ना टी टू रखो, इज इक्वल टू एम जी, बोलो आया समझ, यस सर, यस, सर यस सर। अच्छा, और टी टू के बदले टी थ्री बाय टू डाल दो, अब टी टू के बदले टी थ्री बाय टू, ये टी थ्री बाय फोर प्लस टी थ्री बाय टू इज इक्वल टू एम जी, जी यस, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय फोर, तो ये हो जाएगा थ्री टी थ्री इज इक्वल टू फोर एम जी, टी थ्री इज इक्वल टू फोर एम जी जी अपॉन थ्री, फोर एम जी अपॉन थ्री, बट टी थ्री क्या है, केएक्स, तो टी थ्री केएक्स क्या है, केएक्स, केएक्स इज केएक्स इक्वल टू फोर एम जी बाय थ्री, केएक्स इज इक्वल टू फोर एम जी बाय थ्री एक्स, या थ्री के, एक्स इज इक्वल टू फोर एम जी बाय, सबको समझ रहा है, एग्जैक्टली उसको यस सर। स्ट्रिंग मान के सॉल्व करो, सब कुछ हो जाएगा, आखिरी में जिसमें जिस यस जिस सर स्ट्रिंग में स्प्रिंग है, मतलब जहां पे स्प्रिंग है वहां पे के एक्स डाल दे, करेंगे सब लोग एकदम सिंपल, यस सर यस परफेक्ट सर है ना, तो अभी न्यू कॉन्सेप्ट चालू करूंगा थोड़ा सा, हाँ, दिस इज अ प्योर टॉपिक फॉर जेई एडवांस, जेई मेंस में भी बहुत मुश्किल से इस पे क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल टॉपिक है, ऐसा कुछ होता नहीं है बेसिकली, इसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कुछ खास है नहीं, ऐसे ही बनाया है आपको टेस्ट करने के लिए कि क्या भाई आपको सब कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो है ना, एकदम सिंपल सी चीज है, ठीक
वन बाय वन अच्छे से ध्यान से समझो। देखो क्या हो रहा है, बेसिकली क्वेश्चन देखो, फिर क्वेश्चन के थ्रू ही आगे का सब कुछ समझाऊंगा। इससे भी पहले चलो मैं कुछ केसेस बना के आपको सिखा देता हूं। व्हेन द स्प्रिंग और स्ट्रिंग और इज कट उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। चलो पहला डायग्राम बनाता हूं और उसी पे से समझाऊंगा, उसके बिना नहीं समझा पाऊंगा। यहाँ पे हम बनाएंगे एक स्प्रिंग, ठीक है, उससे कनेक्ट करेंगे एक मास को, ठीक है, और उससे कनेक्ट करेंगे एक स्प्रिंग और यहाँ पर डाल देंगे एक और मास। यहाँ पे डालते हैं एम मास, यहाँ पे डालते हैं टू एम मास। अब बस इस केसेस में गाइस, इन दीज केसेस यू कैन नॉट अज्यूम द स्प्रिंग टू बी अ स्प्रिंग एग्जैक्टली, ओके, क्योंकि कहीं कहीं पे थोड़ा सा चेंज आएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स दो अलग चीजें हैं। या अब क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या बोलता है आपको, क्वेश्चन में ये बोलता है कि फाइंड द, अच्छा मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ एम एंड टू एम, यहां लिखता हूं फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m and 2m just after the string is cut। string है ना ये, इस string को हम कैची से जाकर के कट कर देंगे, और जब इस स्ट्रिंग को कैची से कट करेंगे तो जो दो मासेस है उनका क्या होगा एक्सेलरेशन जब हम उसको कट करेंगे उसके बाद, ठीक है। अब कट करने से क्या चेंजेस आते हैं, क्या होता है, ये समझो थोड़ा सा, ओके चलो लेट्स गो। ओके सबसे पहले अज्यूम करो कि ये इक्विलिब्रियम में है, ओके, और फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस एंड दिस जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट इन इक्विलिब्रियम। ये दोनों मासेस इक्विलिब्रियम में है और इक्विलिब्रियम में आने के बाद आपने स्ट्रिंग को कट किया, इस बार हम स्ट्रिंग को कट करेंगे, कभी स्ट्रिंग आएगा कभी स्प्रिंग आएगा, तो दोनों केसेस देखेंगे नॉट टू वरी। ओके कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, लॉजिक एकदम सिंपल है, पर ध्यान से समझ। चलो लेट्स बिगिन। एफबीडीज बनाओ, कोई टेंशन नहीं, एफबीडीज बनाओ। इसका एफबीडी नीचे की तरफ 2mg है ना, ऊपर की तरफ टेंशन, टेंशन इज इक्वल टू 2mg, हाँ कि नहीं। अच्छा साइड में लिखता हूँ, साइड में लिखता हूँ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगा दो, T इज इक्वल टू 2mg, साइड में ही सॉल्व कर दिया उसको, हमको थोड़ी जगह लगेगी इसलिए, है ना, इस पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगा दिया, इक्विलिब्रियम पे ये वैल्यू मिल गया। आ जाओ ऊपर वाले मास पे भैया, ऊपर वाले मास को देखो, एम एम जी नीचे की तरफ और ये टी, टेंशन इन दिस पर्टिकुलर स्प्रिंग, यस, तो और ऊपर की तरफ क्या है, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग का फोर्स चलेगा, लगा दो इस पे भी न्यूटन फर्स्ट लॉ, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम है, इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम वाला लॉ लगा दो, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू mg प्लस टी, बट बच्चों टी इज इक्वल टू 2mg है ना, तो mg प्लस 3mg, mg प्लस 2mg, तो टोटल कितना हो जाएगा 3mg, तो स्प्रिंग फोर्स है 3mg, करेक्ट एवरीबॉडी, और ऊपर स्प्रिंग फोर्स, तो ये तो सीधा सीधा हमको मिल ही गया है, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू 3mg, ओके परफेक्ट, ऑल सेट ऑल गुड, सब अच्छे से चल रहा था, है ना, सॉल्व हो जाता हमारा, सब कुछ हो जाता, लेकिन अब आ करके इसको कैची से कर दिया कट, अब आकर के इसको कैची से कर दिया कट, जैसे ही स्ट्रिंग को कट किया जाएगा स्ट्रिंग का फोर्स जीरो हो जाता है, स्ट्रिंग में का टेंशन जीरो हो जाता है, अरे वो स्ट्रिंग मर जाएगा ना, मर जाएगा ऐसे लुल्ला लंगड़ा हो जाएगा, मतलब क्या ये पेन है, यस ये देखो टेंशन है, इसमें टेंशन है, यस, इसको कट कर दिया मतलब लिटरली छोड़ दिया, तो ये स्ट्रिंग ऐसा हो जाएगा, एकदम लूज हो जाएगा ना, लूज है ना, जैसे ही कट करोगे ये ऐसे लूज हो जाएगा और नीचे गिर जाएगा,
इसको हम बोलते हैं कि स्ट्रिंग का टेंशन जीरो हो गया, स्ट्रिंग का टेंशन जीरो हो गया। तो कट करने के बाद की कहानी, कट करने के बाद की कहानी, मैंने जो बोला समझा, स्ट्रिंग का टेंशन जीरो हो जाता है इमीडिएटली एज यू कट, ये स्ट्रिंग ऐसे लूला लंगड़ा हो जाएगा, है ना, ऐसे लूज हो जाएगा एकदम लूज, और 2m मास नीचे गिर जाएगा, 2m मास खटाक से नीचे गिर जाएगा। अब नई कहानी, अब 2m को देखो जरा, 2m को देखो, 2m पे नीचे की तरफ 2mg, है ना, 2mg और ऊपर की तरफ टेंशन विच इज जीरो। यश क्या मैसेज कर रहा है यार, मैसेज ऑफ कर रहा है, योर वॉइस इज कटिंग, इज माय वॉइस कटिंग, चलो वीडियो ऑफ करते हैं। नसे ओके, तो t इज इक्वल टू 0 हो गया, ओहो t इज इक्वल टू 0 खत्म, है ना। ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला ये यम, यम को देखो, यम पे एक्ट होने वाले फोर्सेस भैया, नीचे की तरफ अभी भी, नीचे की तरफ है अभी भी 3mg, mg, mg, हाँ। तो इसको ऐसे लिखना, 3mg लिखने के बदले नीचे की तरफ टेंशन प्लस mg, हाँ कि नहीं, और ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स। भाई स्प्रिंग फोर्स में तो कुछ फर्क ही नहीं आया, अरे स्प्रिंग को तो पता ही नहीं नीचे क्या हुआ, स्प्रिंग को नीचे क्या हुआ पता ही नहीं। देखो होगा क्या यार, कैमरा ऑन कर रहा हूं मैं, ऑफ कर दूंगा वापस, बीच में आवाज नहीं आया तो प्लीज बता दें, ओके। जैसे ही तुमने नीचे का स्प्रिंग कट किया, वो 2m का तो स्प्रिंग ऐसे हो गया, गया खत्म, है ना। लेकिन जो स्प्रिंग है ना गाइस, जस्ट आफ्टर, देखो बहुत क्लियर क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ 2m जस्ट आफ्टर द स्प्रिंग इज कट। ऐसा क्यों पूछा पता है, क्योंकि जैसे ही तुमने स्ट्रिंग कट किया, टेंशन इमीडिएटली जीरो होता है, इमीडिएटली, है ना। लेकिन स्प्रिंग को रियलाइज नहीं होता है कि हुआ क्या, स्प्रिंग को इमीडिएटली रियलाइज नहीं होता है कि हुआ क्या, उसको वापस अपनी जगह पे जाने में हल्का सा टाइम लगेगा, हल्का सा टाइम लगेगा, उसको मास अटैच्ड है ना, तो हल्का सा उसको समझेगा नहीं कि हुआ क्या। जैसे कार्टून्स में नहीं देखते क्या है, एक टॉम एंड जेरी कुछ चल रहा है ना, तो टॉम खड़ा रहता है ओके, और उसके नीचे का जमीन खिसक जाता है, यस, ऐसे इमेजिन करोगे जमीन खिसक गया, तो एक दो सेकंड के लिए वो वहीं रहता है और फिर नीचे जमीन खिसक गया और फिर नीचे जाता है, राइट। तो यहाँ वैसे केसेस होने वाले हैं, यहाँ वैसे केसेस होंगे कि यार इसके नीचे का कुछ कट गया, इसको समझा ही नहीं, आधे सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए हुआ क्या, फिर उसको समझता है अच्छा नीचे से कट गया मुझे ऊपर जाना है, अरे नीचे से कोई खींच रहा था ना उसको, नीचे से कोई खींच रहा था उसको, है ना, और अचानक से कट गया, तो जैसे ही कटा उसको समझ नहीं आता कि हुआ क्या, और वो धीरे से फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के बाद उसको रियलाइज होता है कि अच्छा अच्छा मुझे चलो ऊपर जाना है ना। तो तब तक स्प्रिंग में 3mg बना रहेगा, तब तक स्प्रिंग में ऊपर की तरफ 3mg बना रहेगा, लगाओ न्यूटन सेकेंड लॉ, यहाँ पे हमने लगाया न्यूटन का फर्स्ट लॉ, है ना, यहाँ पे लगा दो न्यूटन का सेकेंड लॉ, देखो तो जरा न्यूटन का सेकेंड लॉ, ऊपर जाएगा ना, अरे मास m ऊपर जाएगा, मास m ऊपर जाएगा, तो 3mg माइनस mg, भाई t तो जीरो हो गया, अरे t तो जीरो हो गया, तो नीचे की तरफ mg है is equal to m into a, a acceleration से वो ऊपर जाएगा, है ना। so 2mg is equal to ma, m से m कटा, a is equal to 2d, समझ में आ रहा है क्या, a is equal to 2g, yes sir, तो 2g acceleration से वो ऊपर की तरफ जाएगा, 2g acceleration से ऊपर। नीचे वाले की क्या कहानी है भाई, देखो लगाओ सेकंड लॉ, लगाओ सेकंड लॉ, क्या बोलता है, ऊपर तो टेंशन गायब है ना, सो 2mg इज इक्वल टू ma, सही है क्या, m से m कटा,
सही है नहीं है? क्या गड़बड़ है? नहीं सर, क्या गड़बड़ क्या है? ऐसे नहीं करना, पूरा न्यूटन का लॉ लगाओ, पूरा लॉ लगाओ ना यार, आधा लॉ क्यों लगा दो, है ना? 2mg, 2mg नीचे माइनस टी ऊपर इज इक्वल टू एम ए, बट बच्चों टी इज इक्वल टू 2mg है, टी इज इक्वल टू 2mg है। अब तुम बोलोगे हाँ यहाँ पे टी तो जीरो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना? कोई प्रॉब्लम उसमें है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे टी की वैल्यू तुमको डालना पड़ेगा एमए, टी की वैल्यू डालना पड़ेगा 2mg। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो ना टी इज इक्वल टू 2mg था। तुम बोलोगे सर यहाँ पे भी क्यों नहीं डाला, क्या रीजन है उसका, कोई बताएगा क्या? एक काम करो आप लोग, एक काम करो इसका एक्सेलरेशन यहाँ निकालो, मैं अगले प्रॉब्लम में बताता हूँ, ठीक है? जस्ट फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 2m, ओके? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 2m, ठीक है? भैया ये जी एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, टेंशन नहीं, छोड़ दो उसको अभी फिलहाल, या फिर जीरो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है? इसका तो हमको कोई लेना देना नहीं, भूल जाओ उसको। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 2m, 2m समझ में आ गया सबको? एक्सेलरेशन ऑफ 2m कैसे निकालना है? Yes? तो कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट यहां लिख देता हूं, एज सुन एज, हेलो गाइस आवाज आ रही है? हेलो, यस सर, यस सर, यस सर, यस एज सुन एज स्ट्रिंग इज कट द टेंशन इन इट बिकम्स जीरो, बिकम्स जी राइट, एज सुन एज स्ट्रिंग इज कट द टेंशन इन इट बिकम्स जीरो, बट द स्प्रिंग फोर्स डज नॉट बिकम जीरो। अभी भी उसको थोड़ा सा हल्का सा टाइम लगेगा, क्लियर? अच्छा आ जाओ यस तुम सर, इस क्वेश्चन पे, ये वाला देखो अब सेम है, सिर्फ पोजीशन चेंज हो गया, पोजीशन चेंज हो गया, स्प्रिंग ऊपर चला गया, स्प्रिंग नीचे आ गया, ठीक है ना? इतना तो चलता है यार, इतना तो बनता है। देखो तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, लाइक प्रॉपर ऐसा क्वेश्चन आएगा। टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ सेम मास एम अटैच्ड विद अ लाइट स्प्रिंग, ओके, एंड सस्पेंडेड बाय अ स्प्रिंग एज शोन इन फिगर। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी, ए और बी दोनों का एक्सेलरेशन बताओ जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। जैसे ही स्ट्रिंग कट होगा तो दोनों का एक्सेलरेशन बताओ, है ना? चलो लेट्स अज्यूम कि ये इक्विलिब्रियम पोजिशन में है, ओके? इक्विलिब्रियम में ये डायग्राम दे रहा है। लेट्स अज्यूम ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में चलो बताओ तो इसमें इसमें लगने वाला नीचे का फोर्स mg और ऊपर का फोर्स t लिख दूं क्या? सर t लिख दूं, t सर नॉट लिख देता हूं, t, हाँ यस t नॉट चलेगा ना भाई, स्प्रिंग पता है kx है, पता है kx है, लेकिन t नॉट लिख दो और यहां ना साइड में कोपचे में लिख दो, भैया t नॉट इज इक्वल टू kx है, याद रखना, ओके? जस्ट कंसिडर इट एज दिस, चलेगा, डन, दैट्स इट। और एक और चीज लिख देंगे हम यहाँ पे, क्या लिखेंगे? इक्विलिब्रियम में है सो टी नॉट इज इक्वल टू एम जी, टी नॉट इज इक्वल टू ऊपर वाले का, आ जाओ ऊपर वाले में, ऊपर वाले का क्या सीन है? नीचे की तरफ एम जी, जी नीचे की तरफ टी नॉट, अरे ये स्प्रिंग वाला ये वाला, और ऊपर की तरफ टी, जी T1 ले लो, T1 ले लो, चलो T1 ले लो, है ना? इसका इक्विलिब्रियम लिख दो भैया, क्या है? T1 इज इक्वल टू T0 प्लस, जी बट T0 इज इक्वल टू mg, सो 2mg लिख दो क्या? अरे T0 इज इक्वल टू mg है ना, नीचे नीचे T0 mg है तो वो डाल दो, तो 2mg, सो T1 इज इक्वल टू 2mg, दैट इज द इक्विलिब्रियम का कंडीशन, ये सीन हो रहा था। अब कट करने के बाद किसको कट किया? अब ऊपर स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को कट कर दिया, है ना? जैसे ही स्ट्रिंग कट किया ऊपर वाले मास m का सीन देखो क्या हो रहा है, ऊपर वाले मास m का सीन ये हो रहा है कि टी नॉट ऊपर की तरफ है, विच इज इक्वल टू एम जी गाइस, टी नॉट ऊपर की तरफ है ना, टी नॉट नहीं, एक सेकेंड, नीचे वाले का डायग्राम ले लो यार, ले लो,
मैं दिल नीचे रहा था और आपको ऊपर वाला बोला, ठीक है। बी ब्लॉक, इसको बी लिख देता हूँ। बी ब्लॉक की क्या कहानी हो रखी है? बी ब्लॉक की कहानी ये कि नीचे की तरफ एम जी है, ऊपर की तरफ टी नॉट है, विच इज इक्वल टू एम जी, है ना। टी नॉट है विच इज इक्वल टू एम जी, करेक्ट एवरीबडी। चल सेकेंड लॉ लगाओ इसको, सर सेकेंड लॉ लगा दो, क्या आएगा, क्या आने वाला है, कौन बड़ा, कौन बड़ा, कोई बड़ा नहीं है। आप जी टी नॉट माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू एक्सिलरेशन ऑफ डॉग बी, यस। अरे टी नॉट और एम जी तो सेम है, तो ये जीरो हो जाएगा। इज इक्वल टू एम सर इंटू एक्सिलरेशन ऑफ बी, एक्सिलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन ऑफ बी नीचे वाला जो है उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? यस यस। सर अब ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला यस ब्लॉक देखो, ए को देखो, ए का क्या सीन हो रखा है। ए को नीचे की तरफ कौन एक्ट कर रहा है? टी नॉट। टी नॉट एक्ट कर रहा है सर जिसकी वैल्यू एमजी है, ओके। यहाँ ऐसे लिखता हूँ क्योंकि हमको सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। और खुद का मास एमजी, अरे खुद का मास एमजी भी तो है। और ऊपर की तरफ टेंशन टी वन विच इज इक्वल टू जीरो, हाँ कि नहीं? हाँ, तो लगाओ फिर सेकंड लॉ, है ना। टी नॉट नीचे प्लस एम जी नीचे माइनस टी वन माइनस ऊपर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन ऑफ लॉग ए, ब्लॉक मास इंटू एक्सिलरेशन ऑफ लॉग ए, खत्म। टी वन तो जीरो है भैया, और टी नॉट कितना है? एम जी। सो टू एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए, एम कटा, एक्सिलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू टू जी, एक्सिलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू टू। क्लियर है सबको? कौन सा डायरेक्शन रहेगा इसका? नीचे, नीचे है ना एक्सिलरेशन था इसका, नीचे की तरफ का सर फोर्स ज्यादा है तो डाउनवर्ड। दैट्स इट, इतना सिंपल क्वेश्चन है, जेईई एडवांस का है। सिर्फ इसका थोड़ा सा हल्का सा ऐसा अच्छा वाला वर्जन है ना। तो इस अच्छे वाले वर्जन के लिए भी मैं एक एग्जांपल पहले लूंगा, फिर आपको बताऊंगा। ये क्लियर है सबको? यस सर अब यहाँ यस देखो, सर क्या क्वेश्चन है, तीन स्क्रीन और एक, ओके चेंज करेंगे। यहाँ एक मास लगा दिया एम, यहाँ एक स्क्रीन लगा दिया, इसको एक और मास लगा दिया टू एम, और यहाँ एक और स्क्रीन लगा दिया, और यहाँ पे एक मास लगा दिया एम फिर से। इसको बोल दो ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, यस। आफ्टर द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, मतलब आफ्टर इक्विलिब्रियम, यस, द स्ट्रिंग इज कट, ये स्ट्रिंग है ना बीच में, द स्ट्रिंग इज कट, फाइंड फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, ब्लॉक बी एंड ब्लॉक सी, तीनों का एक्सेलरेशन निकालो, राइट, जस्ट आफ्टर, ऑफ कोर्स जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज। चलो पहला नॉर्मल वाला, सबका इक्विलिब्रियम बनाएंगे, नीचे से ऊपर जाया कर, नीचे से एम जी, ओके, ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स, एफ एस पी लिख दूं क्या? यार टेंशन ले लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना पड़ेगा बस हर जगह पे, है ना, बाकी कोई टेंशन नहीं। चलो लॉ लगा दिया, अब लिख दो फिर इसको, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू एम जी। चल ऊपर वाले ब्लॉक पे आएंगे, नीचे की तरफ टू एम जी इसका मास प्लस नीचे की तरफ स्प्रिंग फोर्स, ओके, और ऊपर की तरफ टेंशन टी, ऊपर की तरफ टेंशन टी। चलो इक्विलिब्रियम लगा दो, टेंशन टी इज इक्वल टू स्प्रिंग वाला फोर्स प्लस टू एम जी, जी है ना, बट स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू है एम जी प्लस टू एम जी इज इक्वल टू थ्री एम जी, यस। आ जाओ और ऊपर भाई, इसके पास नीचे की तरफ एम जी, नीचे की तरफ टेंशन टी, और ऊपर की तरफ एक और स्प्रिंग फोर्स, ये अलग है ना, ये अलग स्प्रिंग फोर्स रहेगा एफ वन बोल, तो लगाओ इक्विलिब्रियम इस पे भी, एफ एस पी ई,
SP1 स्प्रिंग फोर्स 1 इज इक्वल टू P प्लस, बट T कितना है 3 mg, तो 3 mg प्लस mg 4 mg। अब आए हम लोग और आकर के हमने काट दिया इस, इसको कट किया, इसको कट करने के बाद क्या हाल, क्या स्टेटस सब लोगों का, तो कहां से कहां, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, कहीं भी चले जाओ कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाले को ले लो सी, टेक दिस ब्लॉक सी, बनाओ इस पे के फोर्सेस, जरा यहां आ जाओ नीचे की तरफ, टी प्लस एमजी, जी यस एवरीबॉडी, है सर, ना, विच इज इक्वल टू 0 प्लस यस एमजी, बेसिकली ये टेंशन तो 0 हो गया। और ऊपर की तरफ, इसको ना बेचारे को रियलाइज होने में टाइम लग जाता है कि हो क्या रहा है भाई, है ना, तो ये अभी भी फोर स्प्रिंग को टाइम लगता है रियलाइज करने के लिए, स्प्रिंग इज अ ट्यूबलाइट, स्प्रिंग इज अ ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट है वो, टाइम लगता है उसको कि हो क्या रहा है, तो लगाओ न्यूटन सेकंड लॉ, ऑफ कोर्स ऊपर का ज्यादा है तो एक्सेलरेट ऊपर करे, है ना, 4 mg माइनस जी mg इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सी लॉ, एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सर, सी लॉ, है ना, एम 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 कट गया, 3g इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ सी लॉ, सही है ना, ओके, तो जो सी ब्लॉक है हमारा उसका एक्सेलरेशन आ गया 3g, उसका एक्सेलरेशन आ गया 3g ऊपर की तरफ, है ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3g, 3g एक्सेलरेशन से वो ऊपर जाने वाला है गाइस, 3g मतलब बहुत होता है एक्सेलरेशन, 30 m/s² से ऊपर जाएगा वो, है ना, बहुत सिंपल है यार, बहुत जी सिंपल है, आ जाओ दूसरे पे, मिडिल वाला ब्लॉक बी, बी की कहानी 2m वाला, ओके, नीचे की तरफ कौन है अभी भी, स्प्रिंग फोर्स है प्लस एक 2m की, जी है ना, और ऊपर की तरफ देर इज अ टेंशन, देर इज अ टेंशन व्हिच हैज नाउ बिकम 0, है ना, लगा दो सेकंड लॉ, स्प्रिंग फोर्स प्लस 2mg माइनस पी व्हिच इज 0 इज मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये तो 0 हो गया, स्प्रिंग फोर्स कितना है ना, तो बेसिकली 3mg यार, सीधा सीधा लिख देता हूं ना, 3mg इज इक्वल टू एम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ लॉ, करेक्ट है क्या, यस 2mg प्लस नीचे का स्प्रिंग फोर्स, कोई डाउट, कोई दिक्कत, छोटा मोटा, नो सर, नो ना, नेट फोर्स कितना हो गया, ये गया ये गया, ये 3g से कैसे गया नीचे आ गया भाई, एक सेकंड ना, दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं आ सकता, एक सेकंड गए ना, हाँ अरे गलती किया ना यार, कोई बताता भी नहीं है मुझे, यस, अरे यहाँ 2m इंटू ये चाहिए ना गाइस, इंटू एक्सेलरेशन ऑफ 2m, तो 2m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी, अरे मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका मास 2m है ना बच्चों, अरे हेलो यस समझ सर, रहे हो, तो यस वो गड़बड़ कर दी सर, थी ना मैंने, तो यार आंसर देख के ना समझ में आ जाना चाहिए कि यार ऐसे कुछ हो रहा है, इतना थोड़ा सा स्पेसिफिक आपको आना चाहिए, सो व्हाट इज दिस, एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 3g अपॉन 2, 3g अपॉन 2 इधर की तरफ जाएगा, ये जी नीचे की तरफ है ना, इस पे आ जाओ ए पे, ये ब्लॉक नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ mg, अरे FSP व्हिच इज नथिंग बट mg, है ना, तो यार ये तो बैलेंस्ड है, ये तो कहीं नहीं जाएगा, या फिर लगा दो ना mg माइनस mg इज इक्वल टू ma, यस 0 इज इक्वल टू m इनटू एक्सेलरेशन ऑफ a, तो एक्सेलरेशन ऑफ a इज, है ना, तो यही सेम केस होगी गाइस, पहले वाले इसमें जब हम बोल रहे थे ना ये 2m,
यस, ये टी इज इक्वल टू 2 m है, कहाँ गया वो, यही है ना ये वाला। अगर आपको ये m का भी एक्सेलरेशन, सॉरी 2 m का, हमने m का निकाला ना, यहाँ 2 m लिख दिया, और ये 2 m का एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ t, नीचे की तरफ 2 m। यस, यहाँ पे देखो ऊपर तो कोई फोर्स ही नहीं है, चलो दोनों का निकाल लेते हैं, g एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, बता देता हूँ, दोनों में डिफरेंस देख लो क्या करेगा। ओके, m एंड ध्यान देना, ये 2 m ऊपर का टेंशन हो गया, t इज इक्वल टू 0 डाल दो यार, t इज इक्वल टू, और नीचे 2 mg है ना। सो 2 mg इज इक्वल टू माइनस t इज इक्वल टू 2 m इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक भी ले लो इसको, इसको ए ए बना दो, राइट। इसके साथ क्या होने वाला है, ab इज इक्वल टू, ये जी एक्सेलरेशन से सीधा नीचे चला जाएगा, जैसे ही ये स्ट्रिंग कट होगा ये जी एक्सेलरेशन से नीचे गिर जाएगा, फ्री फॉल होगा उसका, फ्री फॉल, फ्री फॉल है ना, उसके ऊपर का सपोर्ट टूट गया वो चला गया। लेकिन देखो ये क्यों नहीं गया, क्योंकि इसके ऊपर स्प्रिंग है, स्प्रिंग, तो स्प्रिंग की वजह से उसका एक्सेलरेशन 0 हो गया। समझ में आया एवरीबडी? अगर वो समझा तो फिर इसको बनाओ, ठीक है, चलो साथ में करेंगे यार हम, है ना। फर्स्ट लॉ यहीं पे लगा देते हैं, फर्स्ट लॉ यहीं पे लगाते हैं, बहुत इजी है, आप लोग अपने नोटबुक में जब सॉल्व करोगे ना तो खुद से ट्राई करना सकते हैं। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ 1, 2, 3 kg ब्लॉक एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। भैया टेंशन भी निकालने बोला है इस बार, एक्सेलरेशन और टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन 1 एंड 2 kg ब्लॉक। ओके, ये वैसे वैसे भी डिफरेंट क्वेश्चन है थोड़ा, ओके, थोड़ा सा अलग है, हल्का सा, ध्यान देना। जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर, ठीक है, देखो ये स्ट्रिंग काट दिया, आपको बोल रहा है फाइंड द टेंशन इन दिस, फाइंड द टेंशन इन दिस पर्टिकुलर, फाइंड द टेंशन इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग। दिस इज अ टिपिकल एडवांस लेवल का क्वेश्चन, एक पॉइंट यहां पे लिख देता हूं फिर उसके बाद में सिखाता हूं। स्प्रिंग फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग, सेल्फ एडजस्टिंग, जैसे हमने यहां देखा था ना फर्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखो गाइस, यहाँ पे स्ट्रिंग में कितना फोर्स था, 30 न्यूटन है ना। जैसे ही कुछ गड़बड़ हुई, कुछ चेंज हुआ, उसने अपने आप का टेंशन एडजस्ट कर लिया, उसने अपने आप का टेंशन एडजस्ट कर लिया, है ना, 20 हो गया। लेकिन क्या स्प्रिंग कर पाया एडजस्ट? नहीं कर पाया, स्प्रिंग में 30 का 30 फोर्स था, तो ये एडजस्ट करता है डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। ओके, अब यहाँ पे देखते जाओ उसका क्या खेल होने वाला। चलो पहले पहले नॉर्मल नॉर्मल FBD बनाते हैं, मस्त सा, वो सब सेम रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा उसमें। चलो नीचे, ओके, ऊपर स्प्रिंग फोर्स है ना, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू 3g, क्लियर, डन, ऑल सेट, गुड टू गो, ऊपर जाए 2 kg पे आ जाओ, नीचे की तरफ 2g, नीचे की तरफ स्प्रिंग फोर्स और ऊपर की तरफ टेंशन की, ऊपर की तरफ टेंशन की, तो चलो टी इज इक्वल टू 3g, यहां पे बोलो टी इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स प्लस 2g। भैया स्प्रिंग फोर्स कितना है, 3g, 3g प्लस 2g 5g। एनीबडी एनी डाउट? एकदम सिंपल यार, वही वही चीज कर रहे हैं हम बार 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 बार, तुमको बोर भी होने लगेगा एक टाइम बाद, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, ऐसे खा के आ जाना पेपर को, फोड़ के आ जाना जाके। ओके चलो इधर देखो, इसमें नीचे की तरफ 1g, जी जी एक सेकंड ना, जी नीचे की तरफ टीवी है और नीचे की तरफ 1g भी है, यस, और ऊपर की तरफ
एक दूसरा टेंशन आएगा T2, अरे अलग टेंशन रहेगा भाई ऊपर, है ना, T1 ले लो उसको, T1, T और T1, चलो T1 इज इक्वल टू 1G+T, 1G+T, T कितना है 5G, T कितना है 5G, तो T1 कितना हो जाएगा 6G, ओके भाई परफेक्ट, है ना। अब जा करके एवरीवन क्लियर, सो फार सो गुड, सब लोग हेलो हेलो, या यस सर, यस सर, अब व्हाई इज इट अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज यहां से और भी एक दो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, जितने एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करोगे ना उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है, या होगा क्या ये समझ, ये कट गया भाई, ये जैसे ही कट गया तो T1 जीरो हो गया, पूरा के पूरा जो T1 था वो जीरो हो गया, हुआ नहीं हुआ, T1 ऊपर जीरो हो गया, ओके। लेकिन जरा इन दोनों को देखो तो यार, ये 1 kg वाला बच्चा, ओके अच्छा चलो पहले ऊपर से नीचे आते, ऊपर से 1 kg ब्लॉक ए को देखो, ब्लॉक ए को, ए की कहानी क्या चल रही है, ऊपर की तरफ था T1, है ना, जो अब हो चुका जीरो, T1 जो हो चुका जीरो, और नीचे की तरफ 1G, यस, तो 1G-T1 इज इक्वल टू 1 × एक्सेलरेशन ऑफ ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, सेकेंड लॉ लगा रहे हैं हम लोग, सेकेंड लॉ हम लोग लगा रहे हैं, सो कितना आया एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू जी, इधर की तरफ जाएगा ऑफ कोर्स नीचे की तरफ, ऑल सेट क्लियर, किसी को कोई डाउट, एवरीवन। नो डाउट सर। यस लेकिन देखो यार एक गड़बड़ की, क्या गड़बड़ की, ध्यान दो, अब देखो पिछला कॉन्सेप्ट हमारा, ये ब्लॉक 1 kg वाला और ये ब्लॉक 2 kg वाला, है ना, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये दोनों अलग अलग स्पीड से तो जा नहीं सकते, ये दोनों अलग अलग स्पीड से नहीं जा सकते, ओके। तो ये जो सिचुएशन है ये कब होगी पता है, व्हेन वी अज्यूम, अच्छा चलो है ना यहां ध्यान देना, और व्हेन वी अज्यूम दैट दैट ये जो टेंशन है टी बिटवीन ए एंड बी, टेंशन बिटवीन ए एंड बी विल ऑल्सो बिकम जीरो, आप तो बोलोगे ऐसे कैसे अज्यूम किया, ऐसे क्यों अज्यूम किया, ऐसे क्या हो गया, ओके क्यों अज्यूम किया, देखो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, चलो इसका मैं प्रॉपर सॉल्यूशन दूंगा फिलहाल, है ना, और एक सॉल्यूशन पहले समझ, दो ब्लॉक से ऊपर वाले की स्ट्रिंग कट गई तो इन दोनों के बीच की भी स्ट्रिंग तो लूज हो सकती है कि नहीं, इन दोनों के बीच की स्ट्रिंग भी तो लूज हो सकती है, हमने अज्यूम किया कि अगर इन दोनों के बीच की स्ट्रिंग लूज हो गई है ना तो क्या होगा, अगर आपको कंडीशन में ऐसा दे दिया कि ये कट करने पे ये वाला स्ट्रिंग भी लूज हो गया है ना, तो उस केस में क्या होगा, देखो जरा 2G वाले को, 2 kg वाले, 2 kg वाले को, इसमें नीचे की तरफ क्या है 3G, नीचे की तरफ ये FSP और 2G 5G, नीचे की तरफ है 5G और ऊपर की तरफ टेंशन T, अरे ये है ठीक एक्सक्यूज मी सर, है, हाँ सर आवाज ब्रेक हो रहा है सर थोड़ा। नहीं होगा, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, यहाँ देखो ओके सर, ये है 5G, FSP+2G दोनों नीचे है ना, और ऊपर की तरफ है टेंशन T, जो अब जीरो हो चुका, जो अब जीरो हो चुका, करेक्ट, अरे ये वाला टेंशन हमने अज्यूम किया कि भाई जीरो हो गया है ना, तो FSP+2G-this tension T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी, है ना, मास कितना है 2G, तो दिस बिकम्स 5G-0 इज इक्वल टू 2m,
एक्सेलरेशन ऑफ डॉग, एक्सेलरेशन ऑफ डॉग बी इज इक्वल टू 2g हो जाएगा ना, 2m है ना, 5g अपॉन mg, यस, तो ये हो जाएगा 5/2 व्हिच इज 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इफ यू अज्यूम दैट टेंशन इनके बीच का भी जीरो हो जाएगा, मतलब गाइस ऐसे कुछ हो रहा है, देखो ऐसे कुछ हो रहा है, देखो इसको कट किया ये भी लूज हो गया, इसको कट किया ये खट से नीचे आया जिसकी वजह से ये भी लूज हो गया, ये भी लूज हो गया, ऐसा केस अज्यूम किया है, बट ऐसा होगा नहीं. ओके, ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्यों नहीं होगा ये भी बताता हूँ. दुनिया से अब देखो, अब एक्चुअल में होने क्या वाला है, टी कैन नॉट बी जीरो, व्हाई, बिकॉज बोथ ऑफ दीज ब्लॉक्स आर कनेक्टेड टू इच अदर, है ना, ये जो स्ट्रीम होती है ना गाइस, इससे, अरे देखो हमने ये वाले केसेस किए हैं ना, सेम तो है भैया, ये जिस एक्सेलरेशन से चलेगा ये भी उसी एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, क्या कर सकते, है ना, दोनों बंधे हुए हैं, ये जिस स्पीड से आगे बढ़ेगा ये भी उसी स्पीड से आगे बढ़ेगा, तो सेम चीज यहां पर भी हो रखी है ना. ये था हमारा ब्लॉक ए, ऊपर वाला 1 kg था शायद और नीचे वाला 2 kg था, तो गाइस ये अब एक स्ट्रिंग से बंधे हुए है ना, तो ये अलग अलग एक्सेलरेशन से नहीं जा सकते नीचे, ये दोनों के दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ बढ़ेंगे. यस एवरीबॉडी, तो ना इसको भूल जाओ, इसको भूल ही जाओ, इसको कंसिडरेशन में आप लो ही मत. 1 kg के साथ क्या होने वाला है, जो 2 kg के साथ होगा वो 1 kg के साथ होगा, है ना, जो 2 kg, दे बोथ, यहाँ लिख देता हूं सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, दे आर अटैच्ड, दे आर अटैच्ड, यस, बोथ विल हैव सेम एक्सेलरेशन, ठीक है, तो ये जो केस है ना यहाँ पे, ये एक केस है, केस वन, अजम्पशन, है ना, लेकिन इस आंसर बताता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर अभी हम सॉल्व करें, ओके, वो केस आपको बस सिखाना जरूरी था, इसलिए बता के रखा कि अगर उन्होंने बोला कि इसके बीच का टेंशन जीरो हो जाता है तो ये दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से फॉल करें, लेकिन ऐसा होगा नहीं, तो एक्चुअल में होगा क्या, बस आप 2 kg वाले को ले लो, सिर्फ 2 kg वाले को देखो और उसका एफवीडी बनाओ और उस पे सब कुछ कैलकुलेट करो, 2 kg वाला ले लो, उस पे नीचे की तरफ 2g, नीचे की तरफ स्प्रिंग फोर्स, बाकी स्प्रिंग फोर्स है ना यार उस पे नीचे, क्या स्प्रिंग फोर्स प्लस 2g और ऊपर की तरफ टेंशन टी, ऊपर की तरफ टेंशन, कौन बड़ा, नीचे का बड़ा, क्या अज्यूम करो, चलो अज्यूम करते हैं कि इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा, तो फिर एफ एस पी नेट प्लस 2g माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एफ एस पी कितना है, स्प्रिंग फोर्स कितना है, 3g, 3g प्लस 2g 5g, ध्यान देखो 5g माइनस टेंशन का क्या करें, टेंशन का क्या करें, हेलो हाय एवरीवन, टेंशन टेंशन कितना है, ये टेंशन को क्या डालू, क्या वैल्यू डालू या क्या ना डालू या क्या करूँ उसका, यस है क्या करें, कोई बोलेगा कुछ पता है, नहीं पता तो नहीं बोलो, नहीं समझ मैम, रहा नहीं मालूम सर। इसका मास कितना है, फिलहाल रखो फिर 2 मिनट रखो, मास कितना है इसका, 2 into एक्सेलरेशन ऑफ, यस, अब टेंशन टेंशन क्या, लुक एट दिस 1 kg ब्लॉक आल्सो, अरे टेंशन वहां से समझ में आएगा अपने, है ना, पहले पहले देखो ना 1 kg ब्लॉक के पास, देखो यहाँ पर ये टेंशन कितना था, यहाँ पे टेंशन 5g, बच्चों अगर इसके बीच का कुछ
कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है तो टेंशन 5G रहेगा कि नहीं रहेगा, इनके बीच का कुछ भी चेंज ही नहीं हो रहा है, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, यस। तो उस केस में तो फिर एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। अरे सुनो सुनो, एक सेकंड, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। आवाज नहीं करना, कौन आवाज, किसके यहाँ से बहुत सारा आवाज आ रहा है, थोड़ा शांत। हेलो, माइक ऑफ करो अपना एक सेकंड के लिए प्लीज, है ना, गड़बड़ हो गई। फॉर अ सेकंड, सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। अरे नहीं, मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ भाई, मैं तुमको सिखा नहीं रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ बस, है ना। वन सेकंड रुको, ओके परफेक्ट, इसको ऐसे ही रखो। का एफबीडी बनाओ, वन के जी लिया, एफबीडी बनाओ, क्या आएगा उसके। हेलो, आ जाएगा रही मेरी एकदम परफेक्ट। क्या हेलो, मैं ऑडिबल ना हूँ, सब लोगों का वॉइस ब्रेक आ रहा था, अभी ठीक है। ब्रेक ही हो रहा है, थोड़ा हो रहा है। चेक, इज इट ऑडिबल नाउ? हाय एवरीवन, ईशान, प्रांजल, आहना, हेलो, यस सर, एकदम अभी आई परफेक्ट। आवाज अच्छे से। हाँ अभी ऐसे सर, ओके ओके, तो ये 1G 1 KG का भी एफबीडी बनाओ, लेकिन इसका एक्सिलरेशन हम ए लिखते हैं, चलेगा, क्योंकि दोनों का सेम रहेगा ना। मैंने बोला बोथ विल हैव सेम एक्सिलरेशन, लेट अस अज्यूम द एक्सिलरेशन टू बी ए। तो 2 KG का स्प्रिंग फोर्स प्लस 2G माइनस T इज इक्वल टू दिस दिस, 1 KG का दिस प्लस टी सिर्फ नीचे की तरफ रहेगा, इज इक्वल टू मास उसका इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो 1G इज इक्वल टू मास कितना है, 1A, क्लियर है। अरे प्लस टी नहीं लिखा ना, प्लस टी भी है ना, प्लस टी इज इक्वल टू, है ना। दिस इज माई इक्वेशन 1, दिस इज माई इक्वेशन 2, दोनों को सॉल्व करेंगे। 5G माइनस T इज इक्वल टू 2A, यस। जी सर प्लस टी इज इक्वल टू ए, ई से टी मारा, ये हो गया 6G, 6G इज इक्वल टू 3A, A इज इक्वल टू 6G अपॉन 3, विच इज इक्वल टू 2G। जी की वैल्यू 10 डाल दो, 2 × 10, 20 m/s². से ये दोनों एज अ सिस्टम एक साथ गिरेंगे नीचे,
ये दोनों एज अ सिस्टम एक साथ नीचे गिरेंगे विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए। समझ में आ रहा है? देखो गाइस, अगर बोलता है कि इसके सर, बीच में का टेंशन जीरो हो गया तो अलग अलग से ऐसे सॉल्व कर लेना, है ना। ये जी एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, ये 2.5 से नीचे जाएगा। बीच में का धागा लूज हो गया उन दोनों के बीच का धागा लूज हो गया। अगर बोल रहा है जैसे इसमें दिया है, ओके, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब हमको नहीं पता ना कि उसके बीच का धागा लूज हुआ है या नहीं, तो बेसिकली हम अज्यूम करेंगे दोनों केसेस, है ना। देखो, अगर जेई एडवांस का क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बोला जेई एडवांस में ना गाइस मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल करेक्ट, राइट। तो मल्टीपल करेक्ट में ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, तो आपको मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस भी चूज करना पड़ता है। और आप बोलो सर अभी से एडवांस क्यों सिखा रहे हो, वो इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाए और ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मेंस के एग्जाम में भी काम आएंगे, और ये टॉपिक तो वैसे भी बोर्ड्स के लिए है। ओके, बेसिक स्प्रिंग का एक आधा क्वेश्चन आएगा एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स लगाने के लिए, दैट्स इट, है ना। बट डिफिकल्ट नहीं है, काफी सिंपल है। तो ये हो गया दिस, और अब बोल रहे हैं फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखो, टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा है ना, मतलब टेंशन जीरो पे नहीं हुआ। यस, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन 1 एंड 2 kg ब्लॉक जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। तो भैया आप टेंशन निकालना है तो कुछ भी नहीं, ये ए की वैल्यू यहां डाल दो और टेंशन निकाल लो। टेंशन इज इक्वल टू ए माइनस जी, ए कितना है 20, जी कितना है 10, तो 10 न्यूटन। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 10 न्यूटन, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 10 न्यूटन, है ना। पहले देखो कितना टेंशन था स्ट्रिंग में, गाइस लुक हियर, 5g, 50 न्यूटन टेंशन था। हाँ, स्ट्रिंग में 50 न्यूटन टेंशन था। जैसे ही ऊपर का स्ट्रिंग कटा, इन दोनों ने अपने बीच का टेंशन एडजस्ट करके 10 न्यूटन कर दिया, है ना। इन दोनों ने अपने बीच का टेंशन एडजस्ट करके 10 न्यूटन कर दिया और दोनों एक साथ नीचे गए। ओके, तो अगर हम अज्यूम करते हैं कि टेंशन जीरो हो गया तो ये अलग से गिरेगा, ये अलग से गिरेगा, बट अगर दोनों एज ए सिस्टम, क्योंकि एक साथ बांधे हुए हैं वो, है ना, शादी हुई है उनकी, साथ में चलेंगे, गिर गए नीचे तो ये टेंशन। क्लियर है सबको? एवरीबडी, एनीबडी, एनी डाउट, छोटा मोटा कुछ भी इसमें, है नो सर, ना। प्रैक्टिस करो, बहुत सारा प्रैक्टिस करो, आज के आज रात में एक बार इसको गो थ्रू करके ही सोएंगे सब लोग, बिना इसको गो थ्रू किए बिल्कुल नहीं सोना, ठीक है। और फिर इसके बाद कल क्या करना है आपको, अच्छा छोड़, ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं फिलहाल, है ना। इजी है, सेम है, सिंपल है, कोई टेंशन नहीं, रिवीजन के वक्त लेने के लिए छोड़ दूंगा। ओके, रिवीजन मतलब एंड ऑफ द सेशन। और टिपिकल एडवांस का क्वेश्चन है, ये भी जेईई एडवांस का है, ओके, और ये भी एडवांस का क्वेश्चन है, तो इसको हम बाद में भी करेंगे तो चलेगा, प्रोबेबली। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है ना। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ये सिखाना है, ओके, डोंट वरी, सिखा दूंगा, और ये सारे क्वेश्चन जब आप अटेंड करें, अब आ जाएंगे सारे के सारे, ट्राई करना। ओके, ऑल क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चंस ये है, दिस दीज आर 9 क्वेश्चंस, और इसके बाद ये दो और ये 9, 11 क्वेश्चंस दैट यू हैव टू डू। ओके, इसको छोड़ दो फिलहाल, ब्रेक होता है इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट को छोड़ देना, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, डोंट वरी, मैं सिखा दूंगा। ओके, नाउ, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। स्प्रिंग फोर्सेस खत्म, स्प्रिंग खत्म, सूडो फोर्सेस खत्म, ओके, स्प्रिंग फोर्सेस खत्म, नॉर्मल फोर्सेस खत्म। अब चैप्टर में बचा है सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होने के बाद चैप्टर होगा फिनिश। ओके, नोट योर सैटरडे शेड्यूल, ब्रेक हो रहा है सैटरडे आपका। को, हेलो, आवाज आ रही है क्या नहीं हो सर? रहा, आ रहा है सर। पहले से आ रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा। सैटरडे को आपके दो क्लासेस रहेंगे, पहला क्लास रहेगा दोपहर में 2 से 4 केमिस्ट्री का। डोंट वरी, उस दिन मैं कोई स्टडी शेड्यूल नहीं डालूंगा, मैंने इसीलिए फ्राइडे तक आपको शेड्यूल दिया। ओके, स्प्रिंग
कर लो, 2 बजे से 4 बजे तक केमिस्ट्री क्लास रहेगा, और फिर शाम में अगेन 7 o'clock यू हैव फिजिक्स क्लास, जिसमें हम फ्रिक्शन चालू करेंगे, जितना होगा पॉसिबल उतना करेंगे, और शायद फिर मैं संडे को भी क्लास लेकर के फ्रिक्शन खत्म करूंगा और ये चैप्टर फिनिश। सर हाँ सर वापस एक बार रिपीट यस। करो ना सर, एक दूसरे अरे सैटरडे को 2 बजे केमिस्ट्री क्लास रहेगा, 2 से 4, है ना, मतलब कल तो है एक और, अब एवरी सैटरडे 2 से 4 केमिस्ट्री क्लास रहेगा, और इवनिंग में मेरा क्लास रह जाएगा, और संडे को भी मैं क्लास लूंगा और फ्रिक्शन खत्म करके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फिनिश कर लिया। ओके, और उसके बाद हम लोग चालू करेंगे मैथ्स, और साथ साथ में फिजिक्स भी चलेगा, डोंट वरी। क्लियर है सबको? यस मैथ्स सर, यस इट्स योर चॉइस, है ना, सर, आना आपका चॉइस है, आप करो नहीं करो जैसे भी है यार, अब सिलेबस बहुत पीछे चला जाएगा, नहीं तो मुझे थोड़ा क्लासेस भी एक्स्ट्रा लेकर के सिलेबस को आगे बढ़ाना पड़ेगा, बहुत जरूरी। ओके सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। संडे का टाइमिंग मैं सिर्फ आपको ना कल बताऊंगा, ओके, कल या परसों, परसों सैटरडे संडे की भी क्लास होगा, रहेगी ना। हाँ संडे भी होगा। हाँ संडे भी होगा, सैटरडे संडे में क्लास लेकर के फ्रिक्शन खत्म करो, ठीक है, नहीं तो फ्रिक्शन रह जाएगा, फिर उसके बाद एनसीईआरटी बचता है इसका, एनसीईआरटी सॉल्व कर लोगे तो यू विल बी कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर योर बोर्ड एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्रोवाइडेड यू प्रैक्टिस 100 to 100 क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, है ना, वो करेंगे हम, नॉट टू वरी। ओके मैकेनिक्स बहुत कड़क कर लो, 50% मैकेनिक्स आता है, 40% इन योर एग्जाम, ठीक है ना। मैकेनिक्स मतलब अभी जो हम पढ़ रहे हैं, यस, काइनेमेटिक्स हो गया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, आगे के एक दो चैप्टर्स, ये सब मिला के 40% वेटेज होता है जेई में इसका, या सीईटी में, जो भी एग्जाम ले लो यार आप, है ना। क्या एनीबडी एनी डाउट, कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, कुछ शेयर करना है, कुछ सर बोलो। माफी मांगनी थी वापिस, हाँ श्योर, आज के लिए माफ कर दो सर, कल सॉरी से नहीं सर, होगा, यस गाइस, बोर होता है पढ़ाने, पता है क्या, मतलब पक्का रेस्पॉन्सेस पक्का खत्म कल से क्या नहीं होता है, तुम होगा लोग सामने नहीं होते हो ना तो समझ में नहीं आता, और लाइक यू नो आई कांट डू सर अभी फिजिक्स क्लासेस। की, अगर अगर मुझे ऐसे समझ में आया ना कि यार किसी एक को भी नहीं समझ रहा है, तो फिर मेरे को आगे बढ़ने को अच्छा नहीं, राइट, और रेस्पॉन्स नहीं आता है ना तो उसका मतलब समझ नहीं आता, गुस्सा नहीं आता है बट समझ में नहीं आता क्या करे, ऑनलाइन क्लासेस से परेशान है। चलो तो हम भी एनीवेज, ठीक है, परेशान हैं रेस्पॉन्स करो गाइस, सर, तो कब स्टार्ट कर परेशान रहे हो मत लेक्चर्स, रहना इस चीज का, ऑफलाइन लेक्चर्स क्या बोलूं भाई, मैं थोड़ी कौन होता हूँ चालू करने वाला, सर? गवर्नमेंट ने है परमिशन दे दी स्कूल्स को 15 अक्टूबर ना। से। अरे 15 अक्टूबर से परमिशन स्कूल्स को दी है बेटा, वो भी मैंडेटरी नहीं है, है ना, अरे आप लोगों में से ऑप्शनल है आधों के वो, पेरेंट्स, आप लोगों में से आधों के पेरेंट्स ही नहीं भेजेंगे, टू बी वेरी मैं फ्रैंक, आ जाऊंगा सर, क्या बोला, मैं आ जाऊंगा सर। अरे एक के आने से कुछ नहीं होता ना बच्चों, राइट, और मैं भी कोशिश करूंगा, एनीवेज दिवाली के बाद मैं चालू करने ही वाला हूँ, सिस्टम भी थोड़ा सा चेंज होगा, और जो घर के आसपास रहते हैं, मतलब क्लास के आसपास रहते हैं, वो आना चाहे तो आ सकते हैं क्लास पे, मैं वहां से ही लाइव क्लास कंडक्ट करूंगा, बोर्ड बोर्ड वगैरह रहेगा, बोर्ड पे सिखा करके, है ना, बोर हो गया हूँ मैं ऐसे पढ़ा पढ़ा के, इट्स वेरी डिफिकल्ट, मजा ही नहीं आता है, फीलिंग नहीं आती है, मतलब ठीक है मजा आता है, उसमें भी आप लोग रेस्पॉन्ड नहीं करो तो और भी बोर होता है, समझ ना है। तो एनीवेज मैं चालू करूंगा, जो आसपास रहते हैं विद फुल प्रिकॉशन, चुपचाप से शांति से, बिना गाड़ी बिना साइकिल के जो पैदल आ सकते हैं वो आ सकते हैं, ऐसा कुछ तो हम लोग करेंगे, है ना, साइकिल गाड़ी वगैरह वहां पे कुछ भी नहीं, फालतू तो आसपास का पब्लिक शोर करेगा कि यार क्लास चालू कर दिया बच्चे आ रहे हैं ना, तो जब तक के फुल फ्लेजेड चालू नहीं होता है, हम लोगों को थोड़ा प्रिकॉशन लेना जरूरी है ना, ताकि कोई बाकी लोग भी ऑब्जेक्शन ना उठाए, ठीक है, और टू बी वेरी फ्रैंक उसमें आप लोगों को ही फायदा है, अगर आप आओ क्लास में, वहां बैठा करके ही पढ़ाई करो तो ज्यादा बेटर है ना, इल बी ना पोजिशन टू हेल्प यू गाइड, ठीक है, अभी आप घर पे क्या करते हो क्या नहीं,
माना कर रहे हो यार अच्छे से, बट फिर भी नहीं हो पाता है इतना, ठीक है ना। सो यू गाइज जब तक ये सब चल रहा है फोकस करो यार, है ना, ये टाइम वापस नहीं आएगा, उसको समझ, ठीक है। क्योंकि एक बार एक चैप्टर खत्म तो खत्म, दी एंड है, ठीक है। मैं बेसिक से एडवांस तक सिखा के रख रहा हूँ एवरीथिंग, क्योंकि पलट के आना बहुत मुश्किल है, टाइम नहीं रहेगा, ट्वेल्थ का सिलेबस भी इतना है। ओके सो इसलिए मेरी कोशिश है कि आप लोग भी जिस दिन का उस दिन प्रैक्टिस करो भर भर के, ताकि बाद में इजी हो जाएगा, भूलोगे नहीं। अगर जिस दिन का उस दिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो थोड़े दिन में कॉन्सेप्ट भूल जाओगे, है ना। अभी तो बहुत कॉन्सेप्ट आना है, ठीक है। फिर मिक्स प्रॉब्लम्स आते हैं दो तीन कॉन्सेप्ट से, तो बस कुछ नहीं, एक चीज की जरूरत है, रेगुलर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस। हर चैप्टर के 100 100 200 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस खुद से। भाई मैं तो 100 से ज्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं हमारे क्लास में आई भी है, एक एक चैप्टर, है ना। अभी तो एनसीईआरटी होगा पूरा, तो हो जाते हैं, लेकिन आपको खुद से, ये तो यार आप देख रहे हो, ठीक है, ठीक से करो, रेस्पॉन्ड करो। गैस केमिस्ट्री के मैम ने भी बोला, सर आपके बच्चे बिल्कुल रेस्पॉन्ड नहीं करते, सो इट फील्स वेरी बैड ऐसे आपके बच्चे बोल के ऐसा कोई कंप्लेन करता है, इट रियली फील्स वेरी बैड, है ना। बस एक दो बच्चे बात करते हैं, रेशमी बोलती है इज व्हाट शी सेड, मानस भी शायद रिस्पॉन्ड करता है, जानना मेरा, बाकी लोग तो सर कुछ बोलते ही नहीं, है ना। तो मैम ना बाकी दूसरे क्लासेस में भी क्लास लेते हैं, तो अगर वो कहीं जाके बोलते हैं कि यार ये क्लास है, आगे बच्चे तो बहुत ही डम है, कुछ बोलते ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं है, सो क्या इंप्रेशन गिरता है ना यार, नॉट जस्ट योर, मेरा भी ऐसे समझा, है ना। तो इट्स नॉट गुड, अगर वो पूछ रहे हैं कि समझ में आ रहा है कि, तो एटलीस्ट यस नो बोलने की आदत लगाना, राइट, इतना तो बोल ही सकते हो। तो मैम मुझे रोज, लिटरली रोज बोलते हैं कि सर आपके बच्चे रेस्पॉन्ड ही नहीं करते, तो सवाल पूछते हो तो कोई जवाब नहीं देता, कुछ तो बोलो ना मैम, पता नहीं ऐसे बोल रहे हो, मैम याद नहीं, कुछ तो बोलो, यू नीड टू, तो इतना करो यार, और क्या, और प्लीज पढ़ते रहो। आई होप यू गाइज आर फॉलोइंग द शेड्यूल।